भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बुधवार को उनकी कर्मस्थली लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 अयोध्या नागरिकता संशोधन कानून सहित तमाम चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि आत्मविश्वास से भरा हिंदुस्तान 2020 में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाने के साथ CAA के विरोध में हुई हिंसा पर दुख भी जताया और कहा कि आंदोलनकारियों ने जो संपत्ति जलाई है, क्या वह उनके बच्चों के काम नहीं आती। आपको बता दें कि इससे पहले PM मोदी ने लोकभवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। अटल जी की 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा पर PM मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बनवाई है। अमूल्य समय और मार्गदर्शन हम सबको आर्थ प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करते हुए आप अपनी वाणी को विराम देता हूं।